1915 में पहली बार यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए, 1918 में एमपीए और फिर साथ ही सूबाई वजीर बन गए। क्या अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं? मैं बिल्कुल खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और शायद नहीं बल्कि यकीनन मेरी वालदा की दुआएं और मेरे जो यूनियन काउंसिल के जो गरीब लोग हैं, जो कच्ची आबादी के रहने वाले, उनकी दुआएं और सपोर्ट शायद इसमें बहुत बड़ा उनका अमल दखल है। अल्लाह ताला ने जो इतने कम उम्र में इतनी कामयाबी दी है, तो उसमें ये दो फैक्टर्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैं। हंगू में पैदा हुए, बीएससी कंप्यूटर साइंस में की, खानदान में से कोई सियासत में नहीं था, फिर कहाँ कंप्यूटर साइंस और कहाँ सियासत, कैसे आ गए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एडवर्ड्स कॉलेज में पढ़ता था और उस ज़माने में लॉयर्स मूवमेंट स्टार्ट हुई खान साहब का, उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया यूथ को। हमारे भी क्लास में हम कुछ लड़के थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हुए, तो हम लॉयर्स मूवमेंट में बड़ा एक्टिवली आए सामने। फिर खान साहब के साथ इस्लामी जमीयत तलबा के कुछ लड़कों की बदमजगी हुई पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद इधर की यूथ बहुत ज़्यादा उठी। फिर हमने ISF बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया। और कंप्यूटर साइंस का तो मैं खुद सोचता था कि कंप्यूटर साइंस का क्या वो हो सकता है, लेकिन जब मुझे मिनिस्ट्री मिली तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इसको साइंस और IT की मिनिस्ट्री देते हैं, तो वो जो मेरी एजुकेशन थी वो बहुत काम आई उस मैं कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन है और साइंस और IT की मिनिस्ट्री मिल गई। फिर उसी ज़माने में जब हम स्टडीज़ भी कर रहे थे तो हमारी insaf.pk की वेबसाइट को पूरा रिवैम्प करना था, सोशल मीडिया टीम बननी थी हमारी। आपको पता है तहरीक इंसाफ की तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रही है, अभी भी है। आप तो PTI खैबर पख्तूनख्वा सोशल मीडिया के हेड भी रहे। जी, सोशल मीडिया का मैं हेड रहा insaf.pk के बनाने में, और उस ज़माने में insaf.pk को एशिया का बेहतरीन इंटरेक्टिव वेबसाइट का अवार्ड भी मिला। तो उसमें फिर हमने वो जो IT की हमारी थोड़ी बहुत स्किल्स थी वो उसमें बहुत काम आई हमारी। जिंदगी में एक फैसला कुन मरहला ऐसा भी आया, एक तरफ ग्रेड 17 का अपॉइंटमेंट लेटर घर पर पड़ा था और दूसरी तरफ PTI का टिकट पे इंतजार में था, तो आपने तरीके इंसाफ के टिकट को चुना, ये क्या वाकया है? असल में जब मैं टाउन मेंबर था तो उस वक्त से मुझे लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम पढ़ने का बहुत शौक हुआ, रीडिंग का, तो हमने काफ़ी बुक्स पढ़ी। फिर TMO के एग्ज़ाम्स आए, पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनमें यानी 40,000 में से 40 लोगों ने क्वालिफाई किया। बहुत बड़ी एक न्यूज़ थी, बहुत मेरे फैमिली के लिए बहुत एक खुशखबरी थी। तो उन दिनों में फिर ये टिकट्स का हुआ, हमारे इधर इंटरव्यूज़ हुए, मेरा तो पॉलिटिकल काफ़ी स्ट्रगल थी, तो फिर मेरे पास चॉइस ये आई, वज़ीर आज़म साहब जो हैं हमारे कायद, उनकी तरफ से ये पैगाम मौसूल हुआ कि आपका क्या इरादा है, आपने इलेक्शन लड़ने हैं या पब्लिक सर्विस ज्वाइन करनी है। खटक साहब ने भी यही मुझे ऑफर की, लेकिन लीडरशिप का ये ख्याल था कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरा तो वैसे भी एज सच नहीं था, लेकिन फैमिली की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस थी कि एक पूरा एक करियर है, करियर सिक्योरिटी है, इतने बड़ी कंपिटिटिव एग्जाम में आप आगे आए हो, तो ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था। लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब ने, चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आपकी शख्सियत बड़ी ठहरी हुई और धीमी है, जबकि PTI का सोशल मीडिया सेल बहुत जारहाना था, इन दोनों का मिलाप कैसे था, इनमें तजाद नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है जिसने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। हमारी बहुत ज़्यादा जो फॉलोइंग है खान साहब की वो यूथ है, तो यूथ के साथ एग्रेशन जो है वो एक नेचुरल लिंक बनता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट्स आई कि ट्रॉलिंग होती थी, लोगों को गालियाँ पड़ती थी, और उनको फिर लिंक किया जाता था कि ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अक्सर फेक IDs भी बनी होती थी दूसरी मीडिया सेल्स ने, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया सेल ने, तो उसके लिए हम एक कोड ऑफ कंडक्ट भी लेकर आए और हमने इस चीज़ को हर फोरम पर बहुत यानी दबे अल्फाज में नहीं बल्कि ओपनली हमने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि हर बंदे को अपनी राय देना, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना, और हमें भी ये राइट हासिल है कि हम मंतक के साथ उसका जवाब दें। आपको सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया, फिर वजारत बल्दियात दे दी गई, और फिर बाद अज़ां वजारत इत्तलात और साथ ही हायर एजुकेशन दे दी गई। इतना थोड़ा थोड़ा अरसा काम करने से आप अपनी परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा सके होंगे?
क्या वाकई ऐसा है? एक्चुअली मेरे जो वोटर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी ये राय है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो मुझे हर डिपार्टमेंट के इन्स और आउट्स का पता चल गया। मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री तकरीबन 16 महीने मेरे साथ रही और उसमें वो छोटा डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें मुझे लर्निंग का बहुत बहुत बड़ा मौका मिला क्योंकि इतने लेवल पे कभी सर्व नहीं किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तो डाइवर्स एक्सपीरियंस मेरा माशाल्लाह बहुत आ गया कि हर किस्म की जो एचआर है या ऑपरेशनल साइड है उसको मैं देख रहा हूँ। डबल एज्ड है, आप ठीक कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा तो परफॉर्मेंस नहीं शो हो सकती इतने कम टाइम में, लेकिन एक एडवांटेज मुझे ये है कि सब डिपार्टमेंट्स का मुझे अंदाज़ा लग गया है कि इसमें कैसे काम हो रहा है, कहाँ पे लेकुनाज हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हम ले चुके हैं, कौन से लेने चाहिए, तो ये एक फ़ायदा है मुझे। बहुत छोटी उम्र में वज़ीर बन गए, अब मीटिंग्स के अंदर सेक्रेटरीज सारे मुइम्मर होते हैं, तो आप उनके सामने बैठे हुए एहसास कमतरी या एहसास कमजोरी तो नहीं होता उनके सामने? बतौर एक जूनियर के मुझे मुनासिब नहीं लगती कि कोई बहुत सीनियर शख्स आपको सर कहे, या जैसे यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स हैं वो बड़े काबिल और प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स बहुत बहुत ज़्यादा सीनियर लोग होते हैं, तो वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं तो वो मुझे लगता है कि अक्सर मैं उनको मना भी करता हूं कि आप बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, मैं उनको अक्सर सर कहता हूं जो वाइस चांसलर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, तो वो इस पे अक्सर जो है वो मुझे बुरा भी मनाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें आपको सर कहना चाहिए, ये आपके उसके खिलाफ है, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन एहसास कमतरी तो नहीं, लेकिन एक चीज़ यह है कि कभी एहसास बरतरी में मैं मुब्तला नहीं हुआ, कोई कभी उसका शिकार मैं नहीं हुआ। हुकूमत की तर्जमानी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, जाहिर है जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्जमानी करते हैं तो कुछ ना कुछ झूठ का भी सहारा लेना पड़ता होगा, क्या वाकई ऐसा है? असल में एक तो मेरी ये कमिटमेंट है कि कभी झूठ ना बोलूँ, अगर किसी जगह पर मुझे लगे कि मेरे सच कहने से नुकसान हो सकता है तो उधर मैं ये समझता हूँ कि वो सच ही ना कहा जाए, उधर खामोश रहा जाए। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मुश्किल वक्त सामने आते हैं जब आप जैसे सीनियर्स को कन्फ्रंट करते हैं मीडिया में, तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन इमर्ज होती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि कभी झूठ ना बोलें। जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, जिस चीज़ की मुझे मालूमात है वो मैं शेयर कर लेता हूँ, और जिसकी नहीं है मैं कुलम खुला ये कह देता हूँ। ये शायद अक्सर एंकर्स भी मुझे ये कहते हैं कि आप ऐसे ना कहा करें, लेकिन मेरे पास जिस चीज़ की मालूमात ना हो मैं ओपनली कह देता हूँ कि इसकी मेरे पास मालूमात नहीं है, मैं इस पर आपको झूठ नहीं बोल सकता। आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब के बहुत करीब तसव्वुर किए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी लॉबियाँ भी हैं जो उनके मुखालिफ हैं, काबीना में भी इख्तलाफात होते रहते हैं, क्या हुकूमत के डिस्टेबलाइज होने का तो कोई डर नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी लॉबी मौजूद नहीं है। वज़ीर आला साहब एक इंतहाई शफीक बड़े भाई की तरह सबको ट्रीट करते हैं। कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ थी जो अभी मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व हो चुकी हैं। केपी में हमारी दो तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत है। पॉलिटिकल फ्रंट्स पे मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ समेट रहे हैं, कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ पर दूसरी जमातों का मुकम्मल सफाया भी हो गया। जैसे अगर मैं आपको रीसेंट एक एग्जांपल दूं तो बुनेर में जो है वो मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर जम हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो पॉलिटिकल फ्रंट्स पे अगर आप सेनेट की बात करें तो सेनेट में हमने मेजॉरिटी ली, 12 में से 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई, जो कि हमारा हक बनता था। तो दो तिहाई अक्सरियत के साथ मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत डिस्टेबल हो या कुछ हो, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सेटिस्फेक्शन जो है वो इस हुकूमत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, और ऐसी कोई सूरत हाल मुझे तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रही।